दोस्तों हमारे चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसेट टाइप यूनिट का इंडोर आउटडोर वायरिंग जो कैसे करना है और इसके अंदर कितना डिवाइस लगा हुआ है, कौन कौन कैसे कैसे काम करता है, ये आज आपको हम कुछ दिखाएंगे आपको इसका वायरिंग करके। ये इंडोर का कनेक्टर है, यहाँ से इंडोर में पावर जाता है RCY, ये यहाँ से R लाइन 2 है जो PCB बोर्ड में जाता है, C जो है वो लाइन 1 है जो PCB में जाता है, और Y जो है ये कूलिंग का सिग्नल है। उसके बाद ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर 220 से 24 वोल्ट बनाता है। इसका 220 कनेक्शन यहाँ हम करेंगे, और 24 वोल्ट जो है ये यहाँ से आएगा इसमें। ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है जो 24 वोल्ट PCB बोर्ड को ट्रांसफार्मर देता है। ये 24 वोल्ट से PCB एक्टिवेट होता है। ये रूम टेम्परेचर सेंसर है, ये PCB के RA में कनेक्ट होएगा। ये देखिए यहाँ पे RA है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया उसको, और उसके बाजू में एक और कनेक्शन है ये जो एंटी फ्रीज सेंसर का है। ये पंप का सेंसर है, ये जब पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा तो ये पंप को सिग्नल देगा और पंप चालू हो जाएगा। ये हम यहाँ कनेक्ट करेंगे IO बोर्ड में। ये हमारा फ्रंट डिस्प्ले है, इसमें 3 इंडिकेटर है और इधर सेंसर है इसका। इसका कनेक्शन हम PCB बोर्ड में जहाँ डिस्प्ले लिखा हुआ है वहाँ करेंगे। और सेम कनेक्टर के साथ में ये मैनुअली स्टार्ट का बटन भी है। और दूसरा कनेक्शन इसका ये रिमोट का है, जो यहाँ रिमोट लिखा हुआ है वहाँ आप कनेक्ट करेंगे इसको। ये स्विंग मोटर है, इसमें जो 2 कनेक्शन दिया हुआ है ये लिमिट स्विच का कनेक्शन है ये, और ये इसका पावर का कनेक्शन है। उसके बाद ये स्विंग मोटर का हमारा PCB में जो कनेक्शन होता है, ये स्विंग लोअर है, यहाँ कनेक्ट करेंगे इसको। और दूसरा ये इंडोर का फ़ैन के साथ में ये कनेक्टर में कनेक्ट होएगा, ये इंडोर का फ़ैन का कनेक्टर है, इसके साथ में इंडोर का भी कनेक्टर है इंडोर फैन का। उसके बाद यहाँ पे CDU लिखा हुआ है, ये आउटडोर को सिग्नल जाता है यहाँ से, यहाँ हम कनेक्ट करेंगे आउटडोर के सिग्नल के लिए। इसके साथ में एक लाइन ड्रेन पंप को भी जाता है, ये ड्रेन पंप का कनेक्शन है यहाँ से, ये ड्रेन पंप में जाता है ये। और ड्रेन पंप का जो न्यूट्रल है वो हम C से लिए हुए हैं कनेक्टर से। और ये Y है, ये Y ये कनेक्टर से CDU से Y में आएगा, और Y से ये सिग्नल आउटडोर यूनिट को जाएगा। ये हमारा आउटडोर का कनेक्शन है, ये आउटडोर यूनिट जो है हमारा 4 टन कैपेसिटी का है, 440 वोल्ट
थ्री फेज का है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्रेकर लगाया है, एक ये कॉन्टेक्टर है, और ये ट्रांसफार्मर जो 440 से 220 बनाता है, ये फैन मोटर के लिए पावर यहाँ से 220 जाएगा, और हमारे कंट्रोल के लिए ये पावर यहाँ से जाएगा। ये हमारा प्रेशर स्विच है, लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच, और ये फैन कैपेसिटर है, और ये हमारा आउटडोर फैन मोटर है। इसके लिए हम पावर, मेन पावर हम यहाँ से लेंगे, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, ब्रेकर के इन में कनेक्ट किया है, और ब्रेकर के आउट से कॉन्टेक्टर के इन में लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री कनेक्ट किया है, और ब्रेकर थ्री फेस ब्रेकर से हमने दो वायर ट्रांसफार्मर में के प्राइमरी में कनेक्ट किया है। ये 440 है और ये 220 है। कॉन्टेक्टर के आउट से कंप्रेसर को पावर जाएगा, ये लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, ये कंप्रेसर का पावर है। ये ट्रांसफार्मर से 220 पावर सीधा कनेक्टर में आएगा। ये RCY यहाँ लिखा हुआ है, ये RCY जो है, R लाइन है, C न्यूट्रल है, और ये Y जो है ये इनडोर से सिग्नल यहाँ आता है वाई में। ये सिग्नल आने के बाद हमारा कॉन्टेक्टर एक्टिवेट होएगा। कॉन्टेक्टर को हमने न्यूट्रल यहाँ से दिया है, ये A1 में कनेक्ट किया हुआ है, और जो वाई जो सिग्नल जो है, जो इनडोर से PCB से बोर्ड से आएगा, वो प्रेशर स्विच में जाएगा, लो प्रेशर स्विच में, हाई प्रेशर स्विच में, उसके बाद सीधा कॉन्टेक्टर के कॉइल में जाएगा, ये A2 में। कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्ट यहाँ से आप देख सकते हो, ये कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्ट है, और हमारा आउटडोर फैन जो है उसके लिए हम कनेक्शन जो किए हुए हैं, ये देखिए आप, न्यूट्रल हमने यहाँ से सी से लिया है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है, कॉमन है, ये फैन में जा रहा है। उसके बाद जो PCB से सिग्नल आ रहा है वाई में, ये PCB से सिग्नल वाई में आ रहा है, जो सिग्नल कॉन्टेक्टर को एक्टिवेट करेगा वो सेम पावर कैपेसिटर में लगाना है, जो कैपेसिटर को भी पावर देगा वो। जब ये वाई में पावर आएगा तो लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच होते हुए कॉन्टेक्टर में जाएगा, और कॉन्टेक्टर को एक्टिवेट करेगा, सेम टाइम में कैपेसिटर में जाएगा और फैन में ये पावर चला जाएगा, हमारा फैन एक्टिवेट चलने लगेगा। इंडोर को यहाँ से पावर जा रहा है RC, ये RC सीधा इंडोर में जाएगा, ये R यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये C में हम कनेक्ट किया इसको, और ये वाई है, ये वाई में हमने कनेक्ट किया इसको, ये वाई जो है कंप्रेसर को कूलिंग का सिग्नल देता है, ये PCB बोर्ड से सिग्नल आउटडोर यूनिट को जाएगा, और ये सिग्नल जाने के बाद हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।